हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों का पता है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, और जैसे कि आप लोगों का जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है तो पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको फॉर्म फिलअप करके मिलता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से आप लोग को मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बताने वाला हूँ कि जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी जब आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट ए है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पार्ट ए है। उसके बाद पार्ट बी आपको आएगा जो कि नीचे में है, नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट बी का भी है। तो इसको फॉर्म को फिलअप किया जाता है, कब करोगे मैं सारा चीज़ें मैं बता देता हूँ अभी ही। और शायद इसमें पर्सनल डिटेल्स के कारण यूट्यूब पर तो अपलोड नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपलोड हो जाता है तो तुम लोग देख पाओगे, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो अपलोड किया था कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो डिलीट हो गया था। तो इसलिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ और सारा चीज़ मैं हाइड कर दूंगा, ताकि जो भी होगा स्टूडेंट भी नहीं देख पाए और यूट्यूब को पता भी नहीं चले। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब फॉर्म फिलअप करोगे तो पार्ट ए एंड पार्ट बी मिलेगा, कुछ इस तरह से इसको फॉर्म को फिलअप किया जाता है। कहाँ पर कौन सा चीज़ें फिलअप करोगे मैं अभी बता देता हूँ, और साथ में जैसे कि आप लोग का 10 जून आप लोग का इसका लास्ट डेट है, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप कर लो। उसके बाद 15 तारीख को यानी 15 जून को आपको मेरे लिस्ट आ जाएगा, और जो भी स्टूडेंट मेरे से पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो, मैं सारा चीज़ें आपको करके दूंगा, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एडमिशन तक। तो आप लोग का अभी टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, कल बीच परसों तक आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका इंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर आओगे तो इस तरह से आपके आएगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, और यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा आपका फोटो। ओके, फोटो और एक सिग्नेचर है, तो यहाँ पर फिर से आपको पेस्ट करना होगा। और जब भी काउंसलिंग होगा यानी कि जब आप फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको फोटो सिग्नेचर आपको वहां पर करना होगा। ओके, कब करना है, जब आप वहां पर जाओगे फिजिकली रूप में, यानी कि जो भी कॉलेज में बुलाया जाएगा वहां पर जाओगे तब ये सब फिलअप करना है, काम करना है। यहाँ पर आपका यूजर आईडी रहेगा, यहाँ पर आपका जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक रहेगा कि कितना आपका रैंक है। ओके, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यह सब तो सारा आपका पर्सनल डिटेल्स है, नीचे में आपको सारा चीज है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, नीचे में आओगे एड्रेस के नीचे में, तो यहाँ पर है कि डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट जो भी आपका नाम रहेगा, यहाँ पर डेट लिखना है, प्लेस लिखना है कहाँ का, जहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाओगे। उसके बाद इंग्लिश में आपको सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर हिंदी में करने होते हैं, कहाँ पर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब वहाँ पर जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है और सारा चीज़ आप ही को फिलअप करना होता है, इसीलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ, शायद ये अपलोड हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं अपलोड होगा तो आप लोग को देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर पार्ट बी में आओगे तो पार्ट बी में यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस ओनली, यानी कि जो भी वहाँ के जो फैकल्टी रहेंगे, जो काउंसलर रहेंगे यानी कि काउंसलिंग करने वाले, तो वही सारा चीज़ें फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग का है, ये सेकेंड काउंसलिंग का है, ये मॉपअप काउंसलिंग का है, तो मॉपअप तो इस बार नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यूजीएससी आईडी आपको डालना होगा, ये सब ध्यान देना है। उसके बाद आपको उसी के सामने ये सब फिलअप करना होता है, ये फॉर ऑफिस ओनली है, यानी कि वहाँ पर जाकर ही आपको करने हैं, इसीलिए तो यूजीएससी आईडी आपको जेई मेंस का आईडी डालना होगा, कैटेगरी डालना होगा, मेरिट सीरियल जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक, मेरिट सीरियल यानी कि कितना में आपको कॉलेज मिला है वो अलॉट में कैटेगरी डाल देना है, एट इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपको मिला है ये आपको डालना है, यानी कि आपको सहरसा MIT और जो भी मैंने कॉलेज मिलेगा इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कोर्स डाल देना है, जैसे बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस मिला है या आर्टिफिशियल मिला है या जो भी मिला। अगर सेकेंड काउंसलिंग में मान लेते आप ग्रेजुएशन करोगे तो सेकेंड राउंड में जाओगे, तो सेकेंड राउंड में जाओगे तो फिर आपको फिर से आपको ये चीज़ें डालना होगा और यूजीएससी आईडी डालना होगा, जेई मेंस का यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद कैटेगरी डालना होगा, मेरिट सीरियल डालना होगा, जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक हो गया, फिर जहाँ पर भी जाओगे कॉलेज में वहाँ डालना है, उसी तरह से आपको मॉपअप में डाल देना है। ओके फ्रेंड्स,
उसके बाद नीचे में आओगे फिर से, तो यहाँ पर डेट आपको डाल देना है कब आप डेट में जा रहे हो। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर आपका डेट है, डेट और डेट माने जो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होगे तो वहाँ का आपको जिस भी डेट में जाओगे तो उस डेट का होगा। फिर आपका नीचे में वही सब पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से फोटो आपको लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिर से फोटो आपको लगेंगे, सिग्नेचर करोगे। और फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि फोटो आपको कमी नहीं होनी चाहिए, कम से कम आप जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हो 20 आपको पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, क्योंकि बहुत आपको फोटो लगेगा वहाँ पर और आपको सारा चीज़ में डॉक्यूमेंट में या वहाँ पर जो भी चीज़ें रहेंगे सारा में आपको फोटो लगेंगे। तो फोटो कम से कम 20 करवा लेना जो जेई मेंस में दिए हो। फिर नीचे में आते हो तो नीचे में सारा चीज़ पर्सनल डिटेल्स एड्रेस सारा चीज़ें रहेगा। हाँ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है मेनली, तो यही था आपका काम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको ये जितना भी लिखा हुआ है कि आई शिशु कुमार सन डॉक्टर पप्पू कुमार हियर, ये सारा जितने भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारा ये तीनों में फिलअप करना होगा। कब करना होगा? जब वहाँ पर जाओगे काउंसलिंग में उस टाइम करना है, या तो फिर पहले करोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अगर देख लिया तो वहाँ पर फैकल्टी तो कहेगा कि यहाँ पर पहले से कर दिए हो, तुम किया नहीं है। ये बस प्रूफ के लिए होता है कि आप ही जो सारा चीज़ें किए हो ये आप ही का है, वो देखता है अक्षर मिलाकर, यानी कि आपका लेटर कि आप ही का है। उसके बाद सिंपली नीचे में है आपका डेट वहाँ का डालना है, जब जो भी डेट में जाओगे, प्लेस कौन सा आप प्लेस में गए हो यानी कि कहाँ पर स्थान है। उसके बाद सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश करना है, यहाँ पर देखो काउंटर सिग्नेचर फादर मदर गार्जियन। तो आप लोग का मैं बता देता हूँ कि जो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे फिजिकली जाना होगा, तो वहाँ पर काउंटर पर जो भी आपके फादर्स हैं या मदर्स हैं या गार्जियन कोई भी भाई या सिस्टर जो भी आपके बड़े भाई जाते हैं तो उनको आपको सिग्नेचर करने होंगे, और जो भी जाओगे तो उनके लिए आपको अपना गार्जियन को लेकर ही जाना। ओके उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट ऑफ इंक्लूडर्स है, जिसमें क्या आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ डालना है, जैसे कि 10 का मार्कशीट हो गया, 12 का मार्कशीट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, उसके बाद आपको उसके बाद कैटेगरी हो गया, इनकम हो गया, कास्ट हो गया, ये सब जो मेन है वो सारा चीज़ें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 10th का मार्कशीट है तो यहाँ पर लिख देना, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देना 10th का मार्कशीट, यहाँ पर 12th का मार्कशीट, यहाँ पर आपको कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर जो भी होगा इनकम होगा तो इनकम लिख देना। इस तरह से 6 आपको मांगता है कि इम्पोर्टेंस डाल दो, तो आप डाल देना वहाँ पर, क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता चले। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आओगे तो यहाँ पर आपको करना है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग इंटरव्यू, जब वहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका काउंसलिंग होगा तो उस टाइम आपको फुल सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी में आपको करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको वहाँ पर लगाने होंगे, वहाँ पर सारा चीज़ रहेगा। अगर सेकेंड काउंसलिंग में जाते हो तो सेकेंड में आपको हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पर करोगे, ये सब चीज़ें। ओके उसके बाद नीचे आते हैं तो अगर मॉपअप में जाओगे तो मॉपअप में हो गया। फिर उसके बाद है फॉर ऑफिस वनली, तो जो भी वहाँ के कोऑर्डिनेटर होंगे या वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो सारा चीज़ें भर देंगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड, कैटेगरी, मेरिट सीरियल, UGSC का ID। फिर उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में जाओगे तो ये सब फॉर्म फिलअप होंगे, तो ये मेनली यही सारा चीज़ें आपको फिलअप करना है। और मैं देखता हूँ, मैं वीडियो तो बना लिया हूँ, अब वीडियो अपलोड होता है या नहीं, अगर हो जाता है तो अच्छा बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं, रिमूव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो दबाकर, ताकि मैं सारा चीज़ें आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ओके तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।